हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हूँ मैं आप सभी से बहुत छोटी बात करने वाला हूँ आचार्य प्रशांत के कुछ गीता सत्रों के बारे में। तो देखो, गीता सत्र जैसे अगर आप गीता पढ़े हो तो आपको जो है वो कुछ उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट पता होगा, और अगर आप गीता नहीं पढ़े हो तो सुनी सुनाई बातों के बारे में ही बस जो है वो आप जानते होगे। तो आचार्य प्रशांत जी जो गीता पढ़ाते हैं या समझाते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ कि देखो, श्लोक तो दो लाइन का होता है। तो आप जब गीता समागम सत्र करोगे लाइव या फिर ऑफलाइन में, तो दो लाइन के श्लोक के लिए जो है वो लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। ओके, अगर आप इफ़ेक्टिवली सब कुछ ले लोगे तो 3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, है ना। अब उस 3 घंटे में कैसा होता है कि फर्स्ट हाफ एन आवर जो है वो भजन होता है। अब भजन में क्या होता है, कबीर साहब के दोहे या फिर गीता का जो काव्यात्मक अर्थ जो कि आचार्य जी द्वारा दिया गया है वो होता है। फिर जो है वो आचार्य जी जो है वो समझाते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे उस श्लोक के बारे में। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो श्लोक ही सिर्फ बताएं, ओके, वो श्लोक में क्या करते हैं कि उसका क्या रिलीवेंस है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड जो कि अभी है, और उसका जो है वो हिस्ट्री से भी या फिर बैक से भी कि क्या रह चुका है उसका रिलेशन एंड इम्पैक्ट क्या हुआ है अगर उस श्लोक का गलत अर्थ जो कि प्रचलित है तो, और इस बारे में पहले चर्चा होती है। और अदर फिलोसोफर्स, अदर जो लोग हैं उनका भी उससे कुछ कैसे रिलेशन है, उन चीज़ों को बताते हैं। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी अगर अपनी कोई क्वेरी होती है तो वो होती है, तो फिर वो लगभग 1 से 1.5 घंटा होता है। तो 2 से 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तो यही हो गई। और फिर जो है वो 2-3 घंटे वो भी चलती है कि सीख सत्र। मैं तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ सीख सत्र में, मैं इसी स्टार्टिंग के हाफ एन आवर एंड आचार्य जी के जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है और Q&A सेशन, तो इसी में मैं बेसिकली रहता हूँ। और देखो, उससे मीन्स आप सोचोगे कि भाई अपने से गीता क्यों नहीं पढ़ ले, ऑब्वियसली यू शुड स्टडी, आपको पढ़ने का पूरा आपके पास अधिकार है और आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन एक पहले तो खुद से ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप उनको पढ़ोगे तो आप चीज़ें को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आपका जो एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर लॉन्ग रन की, आप जो है वो पढ़ रहे हो और 10 हज़ार टिप्पणीकार या फिर जो नोट्स लोग बोलते हैं उसको पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है वो बेटर है। ओके, क्योंकि अब देखो, जो टिप्पणी होती है या फिर जो कमेंट्री होती है एक श्लोक पे, गीता का श्लोक तो एक, भगवत गीता का श्लोक तो कृष्ण ने दिया, लेकिन उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वेज में जो है वो रखने की कोशिश की है। तो कुछ हद तक जो है वो चीज़ें आपके लिए उपयोगी होंगी, मेरे लिए तो उपयोगी हैं आचार्य जी की। और बहुत सारे लोग जो है वो फेक र्यूमर्स भी फैलाते रहते हैं इनके बारे में, तो देखो इनका नीति नीति का रास्ता है, नॉट दिस नॉट दैट, मतलब कि जो झूठा है उसको काटना है, उसके बाद जो सच्चा होगा वो उभर के आएगा। ओके, तो इस इनका ये मेन फोकस रहता है। और आत्मज्ञान मतलब कि सेल्फ नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग, तो इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। और अगर ये पता चल जाए तो आपके जीवन में जो आपके निजी जीवन में जो डे टू डे लाइफ में जो क्वेश्चंस हैं और जो बिग फैसले, बड़े अहम मुद्दे होते हैं, उनका भी डिसीजन आप ले पाओगे। सो इसलिए जो है वो मुझे अच्छा लगता है। एंड आप भी ज्वाइन करो, आपको भी अच्छा लगेगा, और नहीं लगे तो छोड़ देना, इसके आगे क्या ही कह सकते हैं। तो गलत जगह मूवी देखने से अच्छा है गलत यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी या फिर ब्लॉग वीडियोस, अंट संट जो भी, ओके, जो जिसमें बस झूठी हंसी आपको दिलाने की कोशिश की जाती है, उससे तो कहीं बेटर है कि आप इसको सुनो, कुछ पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ो। और सिर्फ उन्हीं की पुस्तकें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो पूरे जगत में जो विख्यात फिलोसोफर्स हो चुके हैं उनका भी अध्ययन आप करो, वेदांत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो,
उससे रुचि जगेगी आपकी इनकी साहित्य और इनके सत्रों को सुनने के प्रति। तो मेरा कुछ ऐसा बदलाव हुआ है, आपका कैसा बदलाव होता है आप भी जो है वो अपना हो सके तो साझा करें। और इनकी जो एक एप्लीकेशन है गीता आचार्य प्रशांत ऐप, तो उस पर गीता फीड पे लोग अपने जो है वो राय डालते हैं, अपनी सीख बताते हैं, अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, और बिफ़ोर एंड आफ्टर आचार्य प्रशांत ऐसा भी बहुत सारे लोग बताते हैं। तो उसको सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, आप ऐप भी आप इंस्टॉल करो, ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर एक शराबी को शराब छुड़ाना हो तो उसके लिए जो है वो अच्छी शरबत लानी पड़ेगी, क्योंकि उसका उसके कुछ चाहिए, तो अचानक से शराब नहीं छुड़ाई जा सकती है। तो उसी तरह अगर आपके जीवन में बहुत गलत चीज़ें हैं मौजूद जो कि आपको लगता है, तो आप उन गलत चीज़ों को छोड़ने के लिए अभी प्रयास मत करो, आप कुछ नया लाओ। आचार्य प्रशांत की वीडियोस देखो, आप उनकी जो है वो ऐप को इंस्टॉल करो, लोगों को पढ़ो वहाँ पे लोग कैसे हैं। देखो जेन्यून सी बात है, कुछ लोग अफवाह फैलाएंगे, कुछ लोग र्यूमर्स उठाएंगे, लेकिन ओवरऑल आप देखो कि आपके जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो बहुत सारी गलत चीज़ें जो कि अभी हैं समाज में, और अगर आप उसमें अपना समय दे रहे हो, उदाहरण के तौर पे हाउ टू मेक अ बॉम्ब, ओके, इस पे आप चाहो तो इस पे भी ज्ञान ले सकते हो, ज्ञान इसके लिए भी जो है वो आपको पर्याप्त मिलेगा। लेकिन क्या ये आपके लिए सार्थक है, क्या ये आपके लिए उपयोगी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जगह एक वीडियो है जो आपको बताया जा रहा है कि नौकरी और शादी के बारे में, क्योंकि अधिकतर युवा, अधिकतर जो आदमी है वो इन सभी चीज़ों में ज़्यादा उलझा रहता है। तो अगर आपको एक जगह कहीं ये बताया जा रहा है कि नौकरी और शादी के अहम फैसले, तो उसके बारे में जो है वो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे एज़ कम्पेयर टू कि वाट यू आर थिंकिंग ऑन। तो इसलिए इसकी एक अपनी उपयोगिता है, और देखो कि आपके जो लिए जो है वो क्या वर्क करता है। सो आई होप कि आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, आप ट्राई करो हिट एंड ट्रायल, ताकि आपको और इसके बारे में पता चल पाए। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।